एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ साझा सुर्खियों पर। रेडियो काम करेगा, इसमें कलाकार कौन होंगे, कौन बोलेंगे, रेडियो जो कि कौन होगा, कैसे ये वर्क करेगा? देखिए, देश की कई जिलों में इस समय रेडियो है, लेकिन ये रेडियो बाकी सभी जिलों से बहुत अलग होगा। आगरा की जिला जेल देश की सबसे पुरानी जेल है। इस जेल के अंदर बहुत सी प्रतिभा है, और जैसा कि जेलों में अक्सर होता है, एक अकेलापन है, उदासी है। हमने कोशिश ये की कि इस अकेलेपन और इस उदासी को कैसे क्रिएटिविटी में जोड़ें, तो ये एक दिन का कोशिश है। और इस दिन का कोशिश का मतलब ये है कि जेल के बंदी आपस में बात करेंगे, आपस में लिखेंगे, आपस में कहेंगे, आपस में बोलेंगे, वो आवाज़ें बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन उनके जो भी दुख दर्द हैं और उनकी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ हैं, वो आपस में लगातार बांटेंगी। असल में होता यह है कि जो बंदी हैं वो अलग अलग बैरक में हैं, कई बार आपस में कोई संवाद नहीं होता, तो हम उस संवाद की कमी को तोड़ना चाहते हैं। तो सारी कहानी, सारी बात जेल के बंदी अपने ज़रिए करेंगे। एक रन ऑर्डर होगा, जैसे टेलीविज़न चैनल में होता है, जैसे अखबार की दुनिया अपना एक हिसाब सुबह तय करती है, वैसे यहाँ भी हर रोज़ एक रन ऑर्डर तय होगा, और हर रोज़ के कार्यक्रम अलग अलग तरह के होंगे। एक ख़ास बात और भी है कि इसमें जेल के बच्चे भी शामिल होंगे। ऐसा देश के किसी जेल में कभी नहीं हुआ कि महिलाएं भी हों, पुरुष भी हों, जेल के बच्चे भी हों। और रंडावन को इस तरह से भी बनाया गया है कि जो फरमाइशी गाने तो हैं वो तो हो ही, लेकिन अगर बंदी एक दूसरे को भी कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी दें। इसे डिज़ाइन करते हुए इस बात की खास तौर पर तफ्तीश की गई कि जिन जेलों में जिन चीज़ों की कमी है उसको हम कैसे पूरा करें। असल में उत्तर प्रदेश की जेलों पर मैं जो एक शोध कर रही हूँ, एक साल का ये शोध है, उस जेल के उस शोध के तहत मैंने इस जेल को अपनाया है। तो एक समय तक, कम से कम 6 महीने तक, इस जेल पर ही मेरा पूरी तरह से फोकस रहेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस जेल में छोटी छोटी ही सही कुछ ऐसी चीज़ों को हम करें जो देश की बाकी जेलें सीख भी सकें और उसे अपना भी सकें। ये इसका सबसे बड़ा मकसद है। सर, कम्युनिटी रेडियो शुरू हुआ है, किस तरह की पहल है और क्या इससे एंटरटेनमेंट होगा बंदियों का? देखिए, आज आगरा जेल में जेल रेडियो की शुभारम्भ की गई है, और इसमें डॉक्टर नंदा जो दिल्ली से आई हैं, उनके मदद से जेल प्रशासन, स्पेशली जो जेल अधीक्षक हैं मिश्रा जी, दोनों ने यहाँ पे शुरुआत की है। मैं समझता हूँ कि सुधारात्मक प्रोसेस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें जेल के ही कैदी उनकी ही टैलेंट की, उनकी प्रतिभाओं को सभी लोगों के सामने रखा जाएगा। इससे न केवल एक माहौल जो बनेगा वो बेहतर का माहौल बनेगा, साथ ही साथ जो टैलेंटेड लोग किसी कारण से जेल में बंद हैं वो अपनी प्रतिभाओं को जो है और बेहतर कर सकेंगे। साथ ही साथ इस रेडियो के माध्यम से कुछ मैसेजेस जो बेहतरीन मैसेजेस, प्रेरक प्रसंग टाइप के न्यूज़ हैं, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, मोटिवेशनल टीचिंग्स हैं, उसको जो है अन्य कैदियों तक पहुंचाए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि बहुत तनाव कम होगा कैदियों का, इससे क्या होता है? बिल्कुल, एक चूंकि जेल में अकेलापन रहता है, और मैं समझता हूं कि एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ये हमारा जेल जो रेडियो है वो काम करेगा लोगों में, अंदर में ही अंदरूनी है, सभी लोगों के लिए आपस में है, तो बिल्कुल एक तनाव को कम करने का, मोटिवेशन देने का और अपने टैलेंट को निखारने का भी एक अच्छा मौका। सर, ये ऑपरेट कौन करेगा, जेल के बंदी करेंगे या कोई बाहरी लोग इसको? देखिए, जेल के प्रशासन जो हैं इसको मॉनिटर करेंगे, कुछ जो चीज़ें हैं वो जेल के इनमेट्स भी उसमें उनके माध्यम से जो है वो रेडियो चलाए जाएंगे, बाहर के लोगों की भी मदद, और ये जो प्रशासन हमारे जेल के कर्मी हैं वो सभी लोग मिलजुल कर इसको चलाएंगे, ताकि सभी लोगों का, सभी इनमेट्स के लिए एक बेहतर। सर, क्या फिक्स प्रोग्राम होगा या कोई फरमाइश भी होगी कैदियों की, इसके लिए जो सॉन्ग्स वगैरह चलेंगे या टाइमिंग रहेगी? देखिए, इसकी टाइमिंग फिक्स रहेगी जो अभी प्रशासन ने मुझे बताया है, बट उसको हमेशा जो है ये चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है, तो जैसे जैसे, इसका मकसद ये है कि एक माहौल सुंदर, सुधारात्मक, बेहतर हो, लोगों को मोटिवेट करके जो जेल से बाहर निकल रहे हैं उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी देने का भी प्रयास जो है, मैं समझता हूँ जेल अधीक्षक साहब का एक अच्छी पहल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझे जेल प्रशासन को मिली।